भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय जय बाबा बर्फानी। श्री अमरनाथ यात्रा 2024 की सभी भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और गाइस, आप सभी को पता है कि भाई बहुत से यात्रियों ने, भक्तों ने बाबा के रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। किसी ने 29 तारीख ली है, किसी ने 5 तारीख, किसी ने 8 तारीख, किसी ने 11 और किसी ने 22 जून। तो भाई अलग अलग सभी ने तारीख ले ली, और इस प्रकार से 29 जून से लेकर के और 19 अगस्त तक हमारी यात्रा चलने वाली है, जो कि पूरी 52 दिनों की यात्रा होने वाली है। तो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाबा की यात्रा को लेकर के, और आज एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ मैं आप लोगों का, क्योंकि बहुत सारे भक्तों का मैंने कमेंट देखा तब आज की वीडियो लेके आया हूँ गाइज, क्योंकि आज की वीडियो टोटली डिपेंड होने वाली है आपकी यात्रा से रिलेटिव। यात्रा में जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है भक्तों के बीच, जैसे कि भाई अगर आपको 29 जून का परमिट है या 5 तारीख का परमिट है, तो आप जम्मू कब पहुंचेंगे, या ये मान लीजिए कि आप साथ में 5 लोग हैं, 4 लोगों का परमिट है 29 तारीख का और एक का परमिट है 1 तारीख का, तो क्या आप ग्रुप में यात्रा कर सकते हैं। तो गाइस, ये सारी कंफ्यूजन मैं आपकी दूर करने के लिए आया हूँ एक और वीडियो के साथ। तो प्लीज़ आपसे बस रिक्वेस्ट इतना रहता है कि बस कमेंट में आप हर माह लिखे और वीडियो को अगर गाइस लाइक जरूर करिएगा, सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो है और जो भक्त जा रहे हैं, और मेरा भी बस यही कामना है कि आप लोगों को 2024 की यात्रा में इतनी सी भी दिक्कत ना हो, आप लोगों को ये फील ना हो कि मैं पहली बार जा रहा हूँ या आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो गाइस, इसी कामना के साथ आज की वीडियो लेके आए, तो प्लीज़ सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर चाहिए हो। तो गाइस आइए, बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो गाइस, आज का सबसे पहला पॉइंट है कि भाई अगर हमारा 29 जून का परमिट है तो हमें जम्मू कब पहुँचे। तो गाइज, ऐसे अपनी अपनी डेट याद रख लीजिए, किसी का 5 का होगा, किसी का 8 का होगा, किसी का 11 का होगा। तो गाइज, आपको जम्मू कब पहुंचना है, क्योंकि आपको बता दूं मैं कि गाइज परमिट वो डेट होती है जिस दिन आपका फाइनली यात्रा चालू हो जाएगी। एक एंट्रेंस पॉइंट होता है, जैसे कि अगर आप बालटाल की तरफ से यात्रा करना चाहेंगे तो बालटाल आपका एंट्रेंस पॉइंट है, वहां से आपका कार्ड पंच हुआ, RFID कार्ड पंच हुआ और आपने यात्रा चालू कर दी। अगर आप पहलगाम की तरफ से यात्रा कर रहे हैं तो आपका चंदनवाड़ी में आपका पंच होगा कार्ड और आपकी यात्रा चालू हो जाएगी, इसे बोलते हैं यात्रा डेट, और उसी डेट में आपको चंदनवाड़ी या बालटाल पहुंचना होता है। तो गाइस, जिन लोगों का परमिट मान लीजिए 29 तारीख का है, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें भाई फाइनली 27 तारीख को आपको पहुंच जाना है कहां पर, जम्मू। 27 को जम्मू पहुंच जाना, 27 ही शाम को जम्मू से आगे ही 2-3 किलोमीटर पड़ता है बस स्टैंड से भगवती नगर बेस कैंप, भगवती नगर बेस कैंप जाइए और वहां से आप अपना ले लीजिएगा बस का टिकट ले लीजिएगा, जो कि नेक्स्ट डे का आपको मिलेगा। क्योंकि बता दूं कि भाई सुबह 10 बजे तक की बस अवेलेबल रहती है आपको बालटाल या पहलगाम के लिए। तो भगवती नगर बेस कैंप जाइएगा, वहां से अपना आप ले लीजिएगा अगले दिन का बस का टिकट, जो कि आपको 600 से 700 रुपये के आसपास का पड़ने वाला है, ठीक है गाइस। उसके बाद आपको बता दूं मैं सेकंड चीज़ कि देखिए, जब आप ले लेंगे तो रात को आप वहां पे आराम कीजिएगा, जैसे 27 को पहुंचे 27 को आप आराम कीजिएगा, और 28 की मॉर्निंग में आप निकल जाइए, जैसे पहलगाम से यात्रा करनी है पहलगाम के लिए, जिसे बालटाल से यात्रा करनी है बालटाल के लिए, ठीक है। तो सुबह जितने बजे की भी आपको बस की पर्ची मिलेगी, टिकट मिलेगा, मान लीजिए किसी को 7 बजे, किसी को 8 बजे, किसी को 9, किसी का 10 बजे का, ऐसे बस जाती है अकॉर्डिंग, बहुत सारी बस होती है तो दिक्कत नहीं होने वाली है। तो वहां से जैसे आप पहुंच जाएंगे वहां के लिए अपना निकलेंगे, तो शाम को 6-7-8 बजे तक आप 28 तारीख को अपना बालटाल या पहलगाम पहुंच जाएंगे, ठीक है, वहां पहुंच जाएंगे। तो 29 तारीख का जिन लोगों का परमिट है वो फाइनली 29 तारीख को अपनी चंदनवाड़ी से यात्रा चालू कर देंगे, जिनको बालटाल से, बालटाल से यात्रा चालू कर देंगे। तो गाइज, इस प्रकार से कम आपको 2 दिन पहले जम्मू पहुंचना है। तो देखिए, कोई अगर आप कोलकाता से आ रहे हैं, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई ओडिशा से आ रहा है, तो याद रखना इस बात को, जिनका 29 का परमिट है उनको 27 तारीख को जम्मू पहुंचना है कैसे भी। अगर आपके यहाँ से 3 दिन लगते हैं जम्मू तक आने में, तो 3 दिन, किसी के यहाँ से 1 दिन में आया तो 1 दिन पहले, जैसा आपको जम्मू पहुंचना है वैसा आप डिसाइड कर दीजिएगा। अब सेकंड जो पॉइंट आता है गाइज, ये है उसमें कि भाई 4 लोगों का परमिट है मान लीजिए 29 तारीख का, और एक इंसान का अलग से परमिट रह गया उसका 1 तारीख का है, मतलब 1 जुलाई का है, ठीक है। तो 2 दिन का गैप हो गया, किसी का भाई आगे पीछे डेट मिल रही है, तो क्या हम सब लोग ग्रुप में यात्रा कर सकते हैं। देखिए भक्तों, इसका मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बता देता हूँ भाई। जब हमने 2023 की यात्रा की तो उस वक्त क्या हुआ था, जैसे कि हम अराउंड 500 लोग गए थे, तो उसमें हमारी 10 बसें गई थी, 11 बसें गई थी, तो उसमें क्या हुआ था कि भाई हमारा किसी का, जैसे हमें बताया गया था कि भाई आप 14 तारीख से लेकर 19 तारीख तक का कोई सी भी डेट लीजिएगा, ठीक है, तो आपका एक साथ में आपको एंट्री हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें बताया गया था कि भाई 500 लोगों का पॉसिबल नहीं कि सबको एक साथ में डेट मिल जाए, तो हमने फाइनली जो उसमें ये था कि हमारा 19 तारीख को फाइनली हमारी एंट्री हो जाएगी। तो हम लोगों ने वैसे किया, किसी को 14 का मिला, किसी को 15 का मिला, किसी को किस डेट का मिला, लेकिन हम सबकी एंट्री एक साथ हो गई थी। तो जहाँ तक है कि भाई शुरुआत की मैं डेट का कह नहीं सकता हूँ आपको कि 2-4-5, क्योंकि भाई ये डेट का बहुत भारी मात्रा में
लेकिन अगर आप 8 या 10 तारीख के बाद का आपने परमिट ले रखा है, 10 तारीख के बाद का ले रखा है परमिट, तो उसके बाद क्या है कि आपकी एंट्री लगभग हो जाएगी। जैसे किसी का मान लीजिए 9 तारीख की डेट है, किसी की 10 तारीख का, तो उन लोगों की डेट, उन लोगों की एंट्री हो जाती है। और उस बीच गाइस फाइनली क्या होता है कि मैं बता दूँ आपको, थोड़ी सी भीड़ हल्की सी कम हो जाती है ना, तो इस वजह से फाइनली एंट्री हो जाती है। और उसके बावजूद भी अगर आपने भाई अगर आपने 3 या 4 तारीख का ले रखा है, तो आप वालटाइल या पहलगाम पहुंचेंगे, वहां पे आप अधिकारियों से बात करिएगा, जो कि अपनी भाई आर्मी के टोटली वहां पे रहते हैं आपकी टिकट चेकिंग के लिए आर्मी के, तो सब मतलब वहां पे अपनी आर्मी रहती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो उनसे आप बात करिए, वो भाई एंट्री फाइनली करवा भी देते हैं, जिनकी जल्दी भी होती है, भाई ग्रुप में यात्रा कर रहे थे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनकी भी एंट्री करवा देते हैं, ठीक है। तो वहां जाके बस आपको थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस अगर थोड़ा सा आगे पीछे थोड़ा तो कन्विंस करना पड़ेगा उनको, ठीक है, बस उनसे थोड़ा। बाकी अपनी आर्मी है तो गाइस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो फाइनली आप वहां से भी एंट्री कर सकते। बाकी कोशिश करिएगा भाई, जितने लोग हैं कि सेम डेट का परमिट लें, अगर 5, 7, 8, 10 लोग मोस्टली ग्रुप में यात्रा करते हैं, ठीक है। बाकी एक छोटी सी जानकारी थी आप लोगों के लिए कि भाई बहुत लोग कन्फ्यूज में थे, तो भाई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अगर 4 लोगों का 4 को और 1 का 5 को, तो आप वहां जाके थोड़ा सा बात करेंगे, मैनेज करेंगे, वो आपको एंट्री करने देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सभी वहाँ पे बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो गाइस ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, जो कि भाई आप लोगों के लिए शायद थोड़ी सी यूजफुल हो सकती है, तो मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि 2024 की यात्रा से रिलेटिव सभी प्रकार की मैं छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँ, ताकि आपको ये फील ना हो कि मैं पहली बार जा रहा हूँ श्री अमरनाथ यात्रा पर। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, मुझे कमेंट करके बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलता हूँ बाकी आपसे एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।